Guys, Dr. Devendra Thor here. Welcome to Modern Health and Nutrition. और लॉकडाउन का आज फर्स्ट डे है इंडिया में. और यू ऑल गाइज मस्ट फॉलो ऑल दीज रूल्स बिकॉज ऑफ ऑल रूल्स आर मेड फॉर यू एंड योर लाइफ. ओके, सो क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आपको सब पता ही है. ऑब्वियसली मीडिया में इतनी चीज़ें चल रही हैं, पुलिस जितनी सख्ती दिखा रही है और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ऑब्वियसली अपने को क्या चीज़ें फॉलो करनी है क्या नहीं ये तो अपने को सब पता है. लेकिन एक चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि आपको घर से बाहर भी अगर आप निकलते हो कुछ भी एसेंशियल चीज़ों के लिए, जैसे सब्जी वगैरह रहती है, सब्जी भाजी है, ठीक है, कोई दवाइयाँ हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कोई इमरजेंसी है, तो कुछ प्रिकॉशंस आप लेकर निकले. आप है ना मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल जो भी रहता है, आप किसी भी आप व्हीकल से निकल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग, लोग मास्क लगाकर बिल्कुल ऐसे घूमते हैं कि है ना सिर्फ और सिर्फ मास्क ही उनका प्रिवेंशन कर सकता है. लेकिन सीधी सी बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में कोरोना से संक्रमित है और अगर आपको उससे रिलेटिवली अगर आपको डिसीज़ होने की संभावना है, तो मास्क आपको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा. ठीक है, सिर्फ ओनली मास्क प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो वायरस रहता है वो आपकी आइज़ की आइज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे भी एंटर हो सकता है. ठीक है, कोई आपके ऊपर खांसा तो ऑब्वियसली वायरस यहाँ चिपक जाएगा और वो एंटर कर लेगा और वो धीरे धीरे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुँचने तक उससे टाइम नहीं लगेगा. तो ऑब्वियसली इस चीज़ के भ्रम में ना रहें कि सिर्फ और सिर्फ आपने मास्क मुंह ढक लिया है आप इससे बच जाओगे. ठीक है, लोग बाहर अगर जाएं देखें, अगर हम सिंगापुर है या जितनी भी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव जो सूट्स हैं, स्पेसिफिक रेनकोट्स जैसे सूट्स रहते हैं स्पेसिफिक, वो पहन के जाते हैं. ठीक है, लोग बाहर भी निकलते हैं पूरा हेड कवर करके निकलते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए. ऐसे कई वीडियोस हमने देखे होंगे चाइना सिंगापुर के लोग इस तरह से पहन के निकल रहे हैं, क्योंकि ये वायरस ऐसा वायरस है कि पता नहीं पड़ रहा कि कितना इजी आपको कैच कर लेगा और कितना मतलब आप इससे इन्फेक्टेड हो जाओगे. तो ये जो से मेजर्स हैं ये आपको फॉलो करना पड़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है कि अब एसेंशियल चीज़ों के लिए बाहर निकलो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बाहर निकलो, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप बाहर निकलो, आपको अगर कोई सब्जी वगैरह लेनी है तो आप जाओ, आपके पास अगर कोई कॉन्टैक्ट हो आप उसे पहले से ही बोल दो कि आप ये सब चीज़ें पैक करके रखो, वो पैक करके रखेगा और वो सिर्फ और सिर्फ आपको देगा. यू कैन पे बाय डिजिटल मोड, मतलब एक ट्राई करना मैक्सिमम आपकी डिजिटल मोड आप यूज़ कर सकें. आप कैश भी कैरी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, कैश को लाकर अपना एक पर्टिकुलर कैश अमाउंट्स आप अपना लेकर जाओ और उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क करो. ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को फॉलो करना है ना. और ये चीज़ें हो गई. और एक बार जा रहे हो मार्केट में तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप डेली सुबह जा रहे हो धनिया मिर्ची लेने, ये नॉर्मल डेज नहीं है. आप एक साथ ही कम से कम 7 डेज तक के लिए आप अपना जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो आप भर लो, ताकि इन फ्यूचर मतलब जो आने वाले 7 डेज के लिए आप बार बार बाहर ना निकलें. आने के बाद अपने हाथ चेहरा और अपने हेयर्स स्पेसिफिक, अगर आप ढक के गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये स्पेसिफिक वॉश कर ले ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको प्रिकॉशन रखना है. लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, जितनी भी कंट्रीज़ है ये सब चीज़ें प्रिकॉशन रखी जा रही हैं, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ. तो होप सो आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो. मास्क को एवरी टाइम आप यूज़ करते हो, डिस्पोजल मास्क आप यूज़ करो, एवरी टाइम थ्रो आउट कर दो. अगर आप कोई वॉशेबल मास्क यूज़ करते हो तो आप एक बार यूज़ करने के बाद उसे धोना है आपको और धूप में थोड़ी देर सुखाना है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है. ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. और बाकी चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए कब आपको करवानी है टेस्टिंग, क्योंकि अब प्राइवेट लैब्स में भी स्टार्टिंग हो चुकी है कोरोना वायरस की टेस्टिंग. तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको कब कब वायरस की टेस्टिंग करवानी है, ताकि आपको अगर आपका डाउट हो तो वो क्लियर हो सके. तो थैंक यू वेरी मच.